फिर ठीक हो जाएगा। चलो, ओम शांति। आज 2 जनवरी 2020 साकार बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए, अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। और हमने आत्मा समझना है, ये सबूत है, मैंने अपने आप को आत्मा तब समझो के समझा हुआ है जब मुझे आत्माएं दिखाई दे रही हैं। यदि मुझे देह दिखाई दे रही है तो समझ लो कि मैंने अभी तक अपने आप को आत्मा नहीं समझा है, नहीं समझा है। देह का संबंध याद आ रहा है तो समझ लो मैंने अपने आप को आत्मा नहीं समझा है। देह दिखाई ना दे, देह का संबंध भी दिखाई ना दे, ठीक है क्या? प्रश्न। हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? हर एक ब्राह्मण को दो बातों पर ध्यान देना है विशेष। नंबर एक पढ़ाई, और नंबर दो देवी गुणों को धारण करना। पढ़ाई पर और देवी गुणों को धारण करने पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, कई तो इतने अच्छे बच्चे हैं जिनमें जरा भी क्रोध नहीं है, और कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है, कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए, गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते किसी बच्चे में क्रोध है तो वे भूतनाथ या भूतनाथनी है, भूतनाथ या भूतनाथनी है, ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी। जिनमें क्रोध आ रहा हो उनके साथ बात नहीं करनी, क्योंकि क्रोध, बाकी सारे विकार ऐसे हैं जो ट्रांसफरेबल है। आप क्रोधी व्यक्ति के आगे खड़े रहेंगे तो थोड़ी देर में कितना भी आप कंट्रोल करें, क्रोध आपके पास आ ही जाएगा, लोभ आ ही जाएगा, अहंकार आ ही जाएगा, देहाभिमान कहीं ना कहीं से यदि आप अभिमानी के साथ रहेंगे तो आ ही जाएगा, काम विकार आ जाएगा। एक मोह है जो केवल एक तरफा रहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, तकदीर जगाकर आए हूँ, और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते, वहां शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ के दो वचन निकालते हैं, दो लाइनें निकाली और उनका जो कोई ग्रंथी है वो बैठकर उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए ये कहाँ होता नहीं, ये कहीं भी होता नहीं। अब बाप समझाते हैं कि ये सब गीत हैं भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है, जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। ज्ञान मिल सकता है तो केवल कहाँ से मिलेगा, एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान, इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं, ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा ये गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है। वे हैं जिस्मानी बातें, किसको कुछ बनाने आता है, किसको कुछ बनाने आता है, किसको कोई काम आता है, वो है जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वो एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता, रूहानी बाप का रूप दिखाई नहीं पड़ता। उस निराकार का चित्र भी है,
निराकार का चित्र भी है शालिग्राम मिसल, परंतु हम उसे बना नहीं सकते। निराकार का चित्र है परंतु हम चित्र बना नहीं सकते, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। उनको ही परम आत्मा कहते हैं, उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है, हमारे जैसा उनका आकार नहीं है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है, उन सब में छोटे में छोटा आकार है आत्मा का, सबसे छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरत ही कहेंगे, कुदरत माना नेचुरल ऑटोमेटिक। आत्मा बहुत छोटी है, जो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे सब साक्षात्कार करते हैं जो पास्ट हो गए हैं, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो ये पास्ट हो गया है, अब फिर आए हैं तो उनको भी साक्षात्कार होता है। देखो, जो पास्ट हो गए उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, जो थे अब नहीं है, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनको तो देखेंगे दिव्य दृष्टि से। पहले नंबर में तो ये पास्ट हो गया ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा पास्ट हो गया ना, जो ब्रह्मा था ब्रह्मा बाबा, ये है साकार ब्रह्मा, ठीक है ना। एक है हमारा अव्यक्त ब्रह्मा, ठीक है ना। मतलब पहले नंबर में तो ये पास्ट हो गया है, पास्ट और कौन होगा। हाँ, ड्रामा तो चला था ना, पिछले कल्प में भी ड्रामा चला था ना, और तो कोई पास्ट हुआ नहीं है। मतलब ब्रह्मा बाबा कल्प पहले भी आए थे, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात करो। क्योंकि अब फिर आए हैं ना, तो उनका भी साक्षात्कार होता है। क्योंकि शिव बाबा का तो कोई लाइट का साक्षात्कार तो कोई है नहीं, साक्षात्कार होता है तो ब्रह्मा बाबा का होता है, या जो शरीरधारी हैं उनका है। बहुत सूक्ष्म, इससे समझ सकते हैं सिवाय परम पिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। हालांकि आत्मा के बारे में बताते बहुत है, क्रिश्चियन स्टोरी में भी आत्मा का बहुत जिक्र है, परंतु तो आत्मा क्या चीज है ये वो उसका नहीं, पार्ट क्या है ये कोई नहीं बताता, ये नहीं जानते जानते सारे क्या, तो उसके आत्मा को शांति दो, आत्मा को सब जानते हैं। सिवाय परम पिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। कोई कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, अभी कोई कहे कैसे लीन हो जाती है, हो ही नहीं सकती। कोई क्या कहते हैं, अभी तुम बच्चों ने जाना है सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता, घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही 84 जन्म का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। परम पिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ, तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो,
इसलिए तुम्हारी नज़र इस शरीर पर चली जाती है, वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं, इन शरीरों से तुम्हारा कोई काम नहीं। सर्व का सदगति दाता तो एक शिव बाबा है, उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। शिव बाबा की एक ऐसी मत है जिससे सबको हम क्या देते हैं, सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। किसको? ब्रह्मा बाबा को भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते उनसे अवगुण निकलते नहीं, बुराइयां उनके जीवन से निकलती नहीं है, पूरा याद नहीं करते, बोला पूरी तरह बाबा का कहना नहीं मानते तो उनसे अवगुण नहीं निकलते। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, मनुष्य तो ना आत्मा को और ना परम आत्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में देवी गुण धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, ये है नई बातें, ये हैं नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं ये दुनिया में किसी को भी पता? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, सारे कहते हैं ब्राह्मण जो है किसके बच्चे हैं, ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कब हुए ये दुनिया में कोई? और जानते हैं तो गपोड़े जानते हैं, वो हमें बताएंगे, जिन्होंने प्राण पढ़े होंगे तो वो कहेंगे सरस्वती से बच्चे पैदा किए थे नहीं? और कब पैदा किए? सृष्टि के आदि में, जब सृष्टि की रचना रची। बोला उनको, अब मैं ये क्वेश्चन उठा सकता हूँ, आम व्यक्ति जो है ना, वो जो भक्ति में चल रहे हैं वो ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते, क्योंकि ब्रह्मा से सरस्वती यज्ञ रचना था तो यज्ञ रचने के लिए सरस्वती को छोड़कर गायत्री को बिठाया थे नहीं? और गाय हैं जी, भक्ति मार्ग में देखा है ना, हाँ, सरस्वती की जगह पर गायत्री को लाए, क्योंकि सरस्वती को तैयार होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, गायत्री पैदा की गई नहीं, ठीक है नहीं? मतलब गपोड़े जो है ना, उन्होंने अपनी मर्जी से जैसे उनको समझ में आया बना दिया। गायत्री का बताया था ना आपको, नहीं? गायत्री कैसे पैदा हुई नहीं बताया? मतलब ब्रह्मा जी को यज्ञ रचना है, वो जी सरस्वती तो अभी तैयार हो रही है, नहीं यज्ञ का टाइम जा रहा है, तुम जाओ और किसी और को लेके आओ। अब वो जाते हैं और एक गाय आ रही होती है, लेडीज़ को लेके गाय के मुंह में डालते हैं, पीछे से निकालते हैं, गायत्री का जन्म हो गया। उसको तैयार नहीं होना पड़ा होगा, मतलब अब मैं क्वेश्चन उठा सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मैं सुनाता था, ठीक है भी गाय से गायत्री पैदा हो गई, परंतु उस टाइम तो मैं उनके साथ था। आज मैं ये क्वेश्चन उठा सकता हूँ, गायत्री को तैयार होने में टाइम नहीं लगा, उसको तैयार होने में टाइम लगता था, इसीलिए जो है ना गायत्री के साथ किया। फिर वो आ गई तो कहते मेरे पति के साथ ये कैसे बैठी है? अब सरस्वती उसकी पुत्री है, कहते मेरे पति के साथ कैसे बैठी है? ये समझ में नहीं आई बात, कौन क्वेश्चन उठाए। अच्छा, उसके बाद मैं श्राप देती हूँ, तेरी पूजा कभी नहीं होगी, ब्रह्मा को सरस्वती ने श्राप दिया। अब गायत्री खड़ी हो जाती है, जहाँ मैं होंगी वहाँ सब काम सिद्ध होंगे, मतलब वहाँ पूजा होगी, पता नहीं कैसे क्या है। जो मर्जी तुक्के घड़ के ना, कहाँ किसके साथ क्या जोड़ दिया, बस उनकी समझ है। मतलब अब पुराण जो है ना ऐसे लगते हैं कि कितना गुमराह कर रहे थे दुनिया को, ये दुनिया में किसी को पता नहीं। आप हाँ, हम ही कर रहे थे, मैं ही यही बोलता था जो लिखा हुआ था। आप उसको नशे से सुनाते थे, भगत भी नशे से सुनते थे, ये बात।
तो ढेर के ढेर हैं, परंतु वे हैं कुख वंशावली। वो सारे के सारे दुनिया में जितने भी हैं वो कुख से पैदा हुए हैं, वो कोई मुख वंशावली नहीं। हम अपने आप को, मैं भी कहता था हम ब्राह्मण मुख वंशावली हैं, बोला जब ज्ञान में नहीं आए थे हम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तब पता ही नहीं था मुख वंशावली क्या होता है, कैसे पैदा हुए होंगे, बस ये समझता था मुंह से निकाल कर खड़े कर दिए होंगे भाई हमें। वे कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है, ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। जो ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं उनको वर्षा किससे मिलता है? शिव बाप से मिलता है, ईश्वर से मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना, तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है, तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वे होते हैं द्वापर कलयुग में, वो ब्राह्मण आते ही द्वापर कलयुग में, और तुम ब्राह्मण बनते हो संगम पर जब बाप आते हैं। संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है, प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं, बल हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे, हद का जो बाप होता है उसको भी ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं परंतु वो है जिस्म की बात, और ये बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये किसको समझाना सहज है, ये किसको समझाना क्या है सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, शिव जयंती मनाते हैं परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता, उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है, सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है, शरीर का नाम पड़ता है परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। उनका अपना शरीर ही नहीं है, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव, वो कभी बदलता नहीं, क्योंकि आत्मा बदलती नहीं इसलिए उनका नाम बदलता नहीं। शरीर के नाम, शरीर बदलने के साथ नाम भी, दूसरा शरीर लिया नाम और हो जाएगा, तीसरा शरीर लिया नाम और हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा हूं, ड्रामा के प्लान अनुसार अभी ये शरीर लिया है, अभी ये शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है, गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है, तुम्हारे भी नाम बदले थे, परंतु कहां तक नाम बदलते रहेंगे, कितने भगंती हो गए जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं, किस पर भी विश्वास नहीं, किस पर भी विश्वास नहीं, माया भूतों को हरा देती है, भूतों को हरा देती है, तो भगंती हो जाते हैं, इसलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते। किसका रखें किसका ना रखें वो भी ठीक नहीं, कहते तो सब है बाबा हम आपके हो चुके हैं परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़ी है। कहते हैं कि बाबा हम तो आपके हो गए परंतु यथार्थ रीति होते थोड़े हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते, बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी, हम तो जानते हैं ना क्या होता है वारिस बनना, कैसे बनते हैं वारिस, हाँ जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, हाँ और क्या बोल रहे थे, उनका कहना मानेंगे, फिर उसको पहले अपना वारिस बनाओ, ठीक है नहीं। बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है, विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं ये वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, लाइन समझ में आई है,
हम उसे वारिस बनाएंगे तो वो हमें अपना वारिस बनाएगा, टिट फॉर टैट। हम उसे अपना वारिस नहीं बनाएंगे, वो हमें अपना वारिस बनाने वाला नहीं है, मतलब बहुत क्लियर माइंड में रखेंगे। हम उसे कैसे वारिस बनावे, कैसे वारिस बनावे उसको, हम उसको ज्ञान सुनावे। वो कैसे बना रहे, तो ज्ञान सुना रहा है और तो कुछ करता नहीं। हाँ, हम उनका कहना माने, बच्चे तो हमारा कहना मानते हैं ना। अच्छा उल्टा जमाना है हम, भला देखो वारिस तो वारिस किसको बनाया जाता है, जो लायक बच्चा जो कहना मानता उसको बनाते हैं, थे नहीं। बाबा लायक है, बाबा हमारा कहना मानता है, देख लो भी कहीं बाद में पछताना पड़े। मानवाता है, मानता नहीं है, बाबा कहना मानता नहीं है, एक न सुने हमारी, उसको पता है ये सारे दुष्ट हैं और इन्होंने जो कहना है इनका माना तो हमारा। हाँ, पतितों का कहना क्या मानना। हाँ नहीं, हाँ जी वही, फिर वारिस कैसे बनाए, वो हमारा कहना नहीं मानेगा। ये बात अपनी बुद्धि में रखनी है कि वो हमारा कहना नहीं मानेगा। आप बताओ क्या करें, कोई बात नहीं, फिर भी दे दे मैं उसको। हम उनके कहे अनुसार चल रहे हैं, उनके ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं, और जो बाबा ने ज्ञान दिया हमने मान लिया, पर बाबा तो हमारे वारिस नहीं हो गए ना। हाँ, हम उसके वारिस बन रहे हैं, हम उनके वारिस बन रहे हैं। बाबा के, बाबा को वारिस कैसे बनाए बाबा। पहली बात हमें ये डिसाइड करनी होगी, वारिस बनाया किस चीज का जाता है, किसका बनाया जाता है, जो हमारे पास हो, जो हमारे पास हो। अब हमारे पास गंध बहुत है, ठीक नहीं, गंध का वारिस तो वो ना बने ना लेवे, ठीक नहीं। और फिर दूसरा हमारे पास अच्छा क्या है, जो कुछ भी है वो हमने बाबा को देना है, जिसको कहते हैं हम दुनिया वाला तन मन और धन। तन मन और ये हमने देना है, ये हमने देना है। तो बाबा को ये क्यों चाहिए, क्या बाबा को बीमार तन, गंदा मन, विनाशी धन, जो कहीं काम नहीं आता चाहिए। फिर बाबा कहते बच्ची, क्या होता है कि कहा जाता है बुढ़ा होता है ना, बुढ़ा दिन कहीं बुढ़ा बैठा होता है, बाबा आपके दांत हैं, क्या बाबा आप चने खा सकते हो, कहता है बेटा कैसे खा सकता हूँ, अच्छा मेरे चने रख ले, मैं आके ले लूँगा, उसके बाद सब सुरक्षित रहेंगे ना, वो खा नहीं सकता। तो इसी प्रकार से बाबा कहते बच्चे, जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, वो मुझे दे दो, मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा शरीर नहीं है, मैं पहनूंगा भी नहीं, मैं यूज़ भी नहीं करूंगा, और वो मैं तुम्हें वापस दे दो। इस प्रकार से परमात्मा को हम अपना वारिस बनाते हैं, क्योंकि वो खाएगा। तो वारिस बनाना है अपने, जो कुछ भी मेरे पास है वो बाबा का, और बाबा की इसके पीछे चालाकी या युक्ति क्या है कि इस बहाने से आपका ममत्व खत्म हो जाएगा उस वस्तु से, ठीक है ना। मेन मकसद ये है कि आपका उससे, क्योंकि आपका नहीं है, आपने दान कर दिया, दे दिया, तो अब जिसका है उसी को उसके बारे में सोचना होगा ना, तो अब आपकी चिंता खत्म, आप खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे।
भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े ये राज समझना भी मुश्किल है। बाप समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए, मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई सौकार दे ना सके। सौकार तो बाबा को पैसे ना दे सके, गरीब के अंदर तो फिर भी होता है कि आज कमाया कल और कमा लेंगे, आज खा लिया इतना बचा है दे दो इधर। सौकार नहीं दे सकते। माला कितने थोड़ों की बनती है ये भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं तुम वारिस बनने के हकदार हो या नहीं, ये बाबा भी बता सकता है, ब्रह्मा बाबा भी बता सकता है। ये कॉमन बात है समझने की, वारिस बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। वारिस बनाने में भी बहुत अक्ल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे परंतु वे मालिक बना कैसे लिया ये कोई भी नहीं जानता। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, क्या है हमारा एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण बनना है, तुमको ये बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है, लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की, कृष्ण की भी निंदा है, शिव बाबा की भी निंदा है, कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंचते ऊंच बनाता हूं मेरे से बच्चे भी तीखे चले जाते। क्या बाबा से बच्चे तीखे चले जाते हैं? मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं, होगा नहीं जा सकते। शिव बाबा उमंग उत्साह दिलाने के लिए, क्योंकि व्यास को, संजय को, अपना जगदीश भाई को टॉपिक देते थे ना, फिर उसे मंथन करके लिखना तो उसका काम था ना, मतलब बच्चों को समझाना आगे। तो दादियाँ दीदियाँ जो भी बड़े हैं वो आगे समझाते हैं ना, बाबा ने तो जैसे समझाना था समझा दिया, फिर आगे बुद्धि चलाना, फिर कैसे जो है ना हमने किस टॉपिक पर किसको समझाना है। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे, बल कृष्ण की आत्मा तो वही है परंतु ना जानने के कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण की निंदा नहीं करेंगे तो किसकी निंदा करेंगे? कृष्ण की निंदा करेंगे। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं, वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि सत्व प्रधान है ये है उनका, उनकी युवा अवस्था, यह है उनकी युवा अवस्था, तो उनको सत्व कहते हैं, वे छोटे हैं इसलिए सत्व प्रधान कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को सत्व कहेंगे, ठीक है नहीं? और छोटे हैं तो उनको, छोटा बच्चा महात्मा समान होता है ना, जैसे छोटे बच्चे को विकार आदि का पता नहीं रहता वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये पांच भूत वहां ही होते नहीं, विकारों का जैसे पता ही नहीं है। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है, विकार जो है रात को ही चेष्टा होती है। देवताएं हैं दिन में, तो काम की
चेष्टा होती नहीं। अभी रात में सब विकारी हैं तुम जानते हो, रात में सब विकारी हैं तुम जानते हो, दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे, पता ही नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये रावण के विकारी गुण हैं, ये है विशेष वर्ल्ड, वॉइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं होती। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य, अभी है ये आसुरी राज्य, ये कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि ये सब बीके किसके बच्चे हैं, ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं, ब्रह्मा को भी याद नहीं करते। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिससे विकार विनाश होंगे। बाप का कहना मानेंगे तो विकार विनाश होंगे, कोई को भी याद करने से विकार विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है माम एकम याद करो, कृष्ण तो कह नहीं सकता, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को याद करें, मैं आत्मा हूं। पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े मेरा बाप परम आत्मा है। वो कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दे दूंगा, मैं सबको सुख देने वाला हूं, मैं सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाता हूं। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही, जिन्होंने लिया होगा वही लेगा। ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के और कुछ कच्चे भी होते हैं। मातेले भी बनेंगे तो सोतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं, जानते हैं बिरादरी कैसे बढ़ती है जाती है, बढ़ती जाती है बिरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है, ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस घर जानी है, पांडव और कौरव दोनों का शरीर छूटना है, दोनों को शरीर छोड़ने हैं। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार तुम्हें प्रारब्ध मिलती है। जैसे संस्कार ले जाते हो वैसा तुम्हें अगले जन्मों में फल मिलता है। वे भी ड्रामा में नूंद है, फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है, फिर ज्ञान का पाठ खत्म। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, तुम प्रलब्ध भोगते हो। वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि होते ही नहीं, चित्र रहते ही नहीं। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं, सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता, सतयुग में कोई चित्र नहीं रखते। तुम्हारे चित्र ऑल राउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं, तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं, इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही हैं।
पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को ये ज्ञान सिमरण कर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। अति इंद्रिय सुख में रहना है, बहुत पॉइंट्स है, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, तो ये याद रहना है, तो ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वे है ऊंचते ऊंच, शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बात है, सारी दुनिया गाती है, सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है, देवी गुण भी धारण करने हैं, पांच विकार हैं भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, देह का भूत, अभिमान का भूत। देह अभिमान का भी भूत होता है, हाँ, कोई में थोड़ा जास्ती भूत होता है तो कोई में कम भूत होते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये पांच बड़े भूत हैं। ये पांच बड़े भूत हैं। नंबर वन है काम का भूत, सेकंड नंबर में क्रोध का भूत, कोई रफ डफ बोलता है तो बाप कहते हैं ये क्रोधी है, जो रफ डफ बोलता है वो क्रोधी। ये भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है, भूत निकलना माना बहुत मुश्किल है। क्रोध एक दो को दुख देते हैं, जिसको क्रोध करेंगे, जिस पर क्रोध करेंगे एक दूसरे को, मोह भी, मोह में भूतों को दुख नहीं होगा, जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और देवी गुण पर अटेंशन देना है, हर बच्चे को। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए हमको देवी गुण धारण कर देवता बनना है, कभी गुस्से से बात भी नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध है, क्रोध का भूत है, वो जैसे भूतनाथ भूतनाथनी बन जाते हैं, ऐसे हम ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया, तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथनी अक्षर बड़ा छीछी है, भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी है तो खड़ा भी, भूत कोई खड़ा कहे किसी में भूत आया हुआ है तो उसके सामने बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भूत तुम्हारे में भी प्रवेश कर जाएगा। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं दैवी गुण धारण कराए तुम्हें, क्या बनाने के लिए? देवता बनाने के लिए मैं आया हूं।
बच्चे जानते हैं हम देवी गुण धारण कर रहे हैं, देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम। जो क्रोध करने वाले हैं ना, उनसे एकदम किनारा कर लो, बीट कर दो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए, हमारे में क्रोध ना आए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा, 100 गुना पाप पड़ जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते हैं। बाबा हू बहु कल्प पहले माफिक समझाते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार विद्यार्थी समझते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है। अपने ऊपर क्या रहम करेंगे, अपने ऊपर हम क्या रहम करेंगे? बाबा का कहना मानेंगे तो अपने ऊपर रहम होगा। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरों पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरों पर करते हैं तो वे उच्च पद पा लेते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, कई तो ऐसे भी हैं, दूसरों को समझाते हैं और वो जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडरफुल अभोक्ता ऐसे भी, वैसा भी वंडर होता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। मुख्य बातें हैं धारणा के लिए, ज्ञान का सिमरण कर अति इंद्रिय सुख में रहना है, इन इंद्रियों से परे के सुख में एंजॉय करना है, किसी से भी रफ डफ बात नहीं करनी है। कोई गुस्सा आए, कोई गुस्से की बात करे तो उससे उसी टाइम क्षमा मांगो, किनारा कर। भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना होगा, समझदार, क्योंकि बाबा को हमने अपना वारिस बनाना ना। भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, समझदार बन अपना सब बाप के हवाले कर ममत्व मिटा देना है, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव, क्या बनो? प्रसन्न चित्त। कैसे बनेंगे? जब एक बाप को याद करेंगे, फॉलो करेंगे, फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट समाप्त कर, कंप्यूटर एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव, क्या बनना है हमें?
प्रसन्न चित्त, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। ब्रह्मा बाबा का जो जीवन है वो हमारे लिए एक्यूरेट कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या होता है, आप जो क्वेश्चन मांगो तुरंत उसका आंसर देगा, मतलब उनके कदमों पर चलेंगे। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो, बस जो भी प्रश्न आए उसके जीवन कहानी में जाओ, आपको कैसे उसने उस समस्या का समाधान किया था वैसे तुम कर लो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा, प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति, प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। प्रसन्न चित्त की परिभाषा देखो कैसे दिया है कि एक रस स्थिति, कोई हालचाल नहीं हो और एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन है आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। स्वस्थ माना स्वामी स्थित होना, अपने आत्मिक स्मृति में स्थित होना। स्वामाना आत्मिक स्थिति में स्थित होना। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वा में स्थित रहने का अनुभव करो कि मैं आत्मा हूँ। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो, आप मतलब कोई भी काम कर रहे हो जो एक साधारण है बिल्कुल जैसे आम दुनिया कर रही है, तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे। अव्यक्त स्थिति बनाना माना आत्मिक स्थिति में जाना, देह से न्यारा होना, ठीक है नहीं, अपने आप को समझना कि मैं इस देह से अलग आत्मा हूं। कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो तो स्मृति बहुत सहज रहेगी। स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते बुद्धि का प्रोग्राम भी सेट करो, बुद्धि का प्रोग्राम भी सेट करो तो समय की बचत हो जाएगी। ओम शांति।